किससे जुड़े हैं उस बारे में पहले बताइए। पहले एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग सबको तो मेरी संचिता बैनर्जी का बहुत दिलों से नमस्ते सारे दर्शकों को। एंड भोजपुरी फिल्म से मैं कैसे जुड़ी हूँ, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताती हूँ। मैं एक हिंदी मूवी कर रही थी, रक्तधार। उस मूवी में जो ईपी थे नागेश जी, तो हिस एक्चुअली अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भोजपुरी फिल्म करोगे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने पहले कहा कि नहीं, मुझे भोजपुरी नहीं आती है और मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी नहीं है, कि हिंदी बोलनी है एंड निरोवा हिंदुस्तानी 2 दिनेश जी के साथ आप आओगे। तो फिर मैंने उनकी स्टोरी सुनी और रियली निरोवा हिंदुस्तानी 2 ने जिस तरीके से मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया है, तो उसके लिए मैं थैंक यू सबको बोलना चाहूँगी। सबका प्यार आशीर्वाद मिला है, आज मैं एक के बाद अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ी हूँ, अच्छी अच्छी मूवी कर रही हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैम, बड़े कलाकार के साथ काम करने के बाद जब आप नए कलाकार के साथ काम करते हैं तो आपको कितना लगता है कि रिस्क है उसके अंदर कि मेरी पिक्चर फिल्म फ्लॉप हो जाएगी या हिट हो जाएगी, उस बारे में? मुझे नहीं लगता है कि बड़े एक्टर, जब मैं नहीं थी भोजपुरी में तो दिनेश जी जैसे बड़े एक्टर मुझे चांस दिया है, तो मुझे भी लगता है कि हर एक्टर को चांस देना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। एंड आप जब दूसरे के साथ काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, और कंटेंट बहुत ज़रूरी है। क्या कंटेंट है एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कैरेक्टर को, तो ये बहुत डिपेंड करता है। शिकारी फिल्म में आप किस तरह का रोल निभा रही हैं? मैं बहुत ही, मैं अभी नहीं बताऊंगी कि फिर नहीं जाएंगे देखने के लिए, ये सस्पेंस है। बहुत ही क्यूट कैरेक्टर है एंड सबके लिए एक मैसेज है कि मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। एंड बहुत ही खतरनाक मूवी है एंड एंटरटेनमेंट न्यू कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलेगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ आपके संबंध कैसे हैं? प्रोड्यूसर बहुत ही अच्छे, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे। प्रोड्यूसर के साथ मैंने, अनिल सर के साथ मैंने और एक फिल्म कर चुकी हूँ, पांच मेहरिया, बहुत ही अच्छी फिल्म, वो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। एंड कॉमेडी, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कंटेंट उसका भी बहुत अच्छा है। इस फिल्म में मैं जो रोल निभा रही हूँ वो भी बहुत अच्छे कंटेंट है। तो अनिल सर के साथ मैंने, मेरी ये दूसरी फिल्म है। एंड मनोज सर के साथ, मनोज तोमर जी है हमारे डायरेक्टर, तो सर के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है, इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे कुछ सीखने के लिए मिलता है सर से, अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। जब एक फिल्म में दो हीरोइन होती है, दो अभिनेत्री होती है, उनमें जरूर लड़ाई होती है, लेकिन आप लोग के आपसे संबंध किस तरह के हैं? नहीं, किसी और के कितनी साथ लड़ाई होती? मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती है, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, अभी तक तो नहीं और आगे भी नहीं होगा। जब ये प्रोजेक्ट आपके पास लेके आया, शिकारी है और इसमें जंगलों का सीन होगा, थोड़ा सा इसमें मेकअप वेकअप नहीं होते हैं बहुत अच्छी तरह से, और चोट लगने की ज़्यादा गुंजाइश होती है, तो आपको डर लगा था कि ये फिल्म करें या ना करें? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, खाली इससे डर लगता है, भूत से डर लगता है और भगवान से डर लगता है, और किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, काम करने आई हूँ तो बस। 26 जनवरी आ रही है, आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे देशवासियों को? एक्चुअली हम लोग एक साल कैसे करके कोरोना के साथ फाइट किया है, वो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, और इंडिया में मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ कि इंडिया आज सब कुछ सह लेते हैं एंड ओवरकम कर लेते हैं। तो 26 के लिए मैं सच में दिल से सबके लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, सबका और भी अच्छा हो, जो भी जिसका भी ड्रीम हो सब पूरा हो जाए। एंड जय हिंद।